सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बरतानिया की जानिब से जो जिम्मेदारी दी गई थी आपको, वह मुझे तफवीज कर दी गई है। अरबों को गफलत की नींद से जगाने के लिए आपकी नजाकत किसी काम की नहीं। हमसे बेल खातून क्या चाहती हैं? हम नहीं जानते। तुम सिर्फ ये जान लो कि मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। जिन्होंने ये दस्तावेजात सलीम पाशा को दी हैं, उन्होंने उन पर एतमाद किया है। हो सकता है कि वो सलीम पाशा को अपने दाम में फंसाना चाहते हों। बरतानवी हुकूमत ने बनी जूशम कबीले के अलावा मजीद 5 अरब कबाइल से मुहायदा किया है, ताकि बगावत में मुआविनत हासिल की जा सके। लुका तैसु, तुमने यकीनी तौर पर हमारी मौत का फरमान जारी कर दिया है, एलची को मार दिया है। मालूम करें कौन से अरब कबाइल ने बरतानिया से मुआहदा किया है, और दूसरा ये कि उन नौजवानों को पारवुस से कैसे बचाना है। ताजे बरतानिया के साथ 5 अरब कबीले भी बगावत के लिए तैयार हैं। आप वजीर आजम बनने की ख्वाहिश तर्क कर दें तो बेहतर होगा। सुल्तान मौजम का फैसला दस्तावेजात का मरहूने मिन्नत नहीं है। सुल्तान मौजम वजीर आजम नहीं बनाएंगे मुझे। उन दस्तावेजात का फायदा नहीं हुआ क्या? हुआ है, लेकिन सिर्फ महमूद पाशा को वजारत न मिलने की हद तक। काश के खुशी से आया होता तहसीन पाशा। मैं यहाँ मेहमान बनने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने बेटे के लिए आया हूँ, जिसे आपसे भेजा में रखा गया है। और तुम इस दुनिया से दफा हो जाओ। क्या कर रहे हैं आप? सुल्तान मुअज्जम के पास अगर कोई सबूत है तो वो जब चाहे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मेरे बेटे को आजाद कर दें। पारवुस ने उन लोगों को कहाँ छुपा के रखा है, पता चला? नहीं, मैंने आदमियों से भी मालूम किया, लेकिन कुछ नहीं जानते वो। पारवुस का ये खूनी खेल सिर्फ एक शख्स अंजाम दे सकता है। लुका तेसो, उन नौजवानों का पता लगाकर सुल्तान को खबर देनी होगी हमें। मैं कुछ समझी नहीं, क्या अब हम अब्दुल हमीद के मौविन हैं? मैं उन नौजवानों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मुझे यकीन है अब्दुल हमीद मेरे खुलूस को समझेगा, और फिर पारवुस की नाकामी के बाद मंसूबा वापस हमारे पास आ जाएगा। हमें ये जंग बरतानिया और अब्दुल हमीद का भरोसा जीत कर खत्म करनी होगी, मगर इस वक्त सबसे अहम जान बचाना है उन नौजवानों की। अगर हम वहां ना पहुंचते तो क्या करते? हाँ, क्या अब्दुल कादिर को कत्ल कर देते? क्या आप अपने दोस्त जैसे भाई को मार डालते? सबातीन, मुझे नहीं मालूम। आपने फकत उन्हें मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद पर भी जुल्म कर रहे थे। एक शहजादे के साथ ये सब करने का मतलब समझते हैं आप? मैं होश खो बैठा था। आपका गुमान है अब्दुल कादिर आपसे बदला लेने के लिए पाकीज़े से शादी कर रहे हैं? गुमान नहीं, हकीकत है ये। सुनिए सबातीन,
जिस कर्ब में आप मुब्तला हैं और आपको लगता है ये कभी कम नहीं होगा, तो गलत हैं आप। हमारा यकीन कीजिए, इब्तदा में कोई ऐसा लम्हा नहीं होगा जो आपको उनकी याद ना आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह एहसास बिल्कुल खत्म होता जाएगा और आप एक नई जिंदगी जिएंगे। मैं हमेशा भी सुकून रहूंगा, ये तकलीफ कभी कम नहीं होगी, कभी भी नहीं। नहीं, जल्द आपको दोबारा मोहब्बत हो जाएगी, तब आप उस मोहब्बत में सुकून पाएंगे और अपना मासी भुला चुके होंगे। आप खुद के शुक्रगुजार होंगे सबाहद्दीन, इस दर्द के सहने पर और उस मोहब्बत के मिल जाने पर। मेरा यकीन कीजिए, आपका ये दर्द वक्ती है जो जल्द खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ना चपुर ना ही मनोल, तो आप मुझे बताएं कि हम क्या करने जा रहे हैं। सफीर का कत्ल तो ममनू है, क्या आप ये जानते हैं? हमारी ये मुखालफीन तो गैरत से आ रही हैं, इनका वाहिद कानून लाकानूनियत है। पाशा, हमने हर जगह तलाश किया उससे। पाशा, चोपुर आ चुका है। हाँ, उन्होंने मार दिया उसे, बाहर लाश पड़ी है उसकी, सड़ चुकी है। उसकी जेब से ये मिला है पाशा। लुका, ये अंगूठी उसी की है। पाशा, अपनी कसम तोड़ने के लिए अपनी उंगली काटकर कुर्बानी देनी पड़ी उसे, और उसने दी। ठीक है फरीदो, हम आपके भाई को कत्ल कर देंगे। किसल, इसकी मैयत को गुस्ल दिलवाओ और खुशबू लगवाओ। ठंडे सनोवर के दरख्त के नीचे इसे दफन करो। जो हुकुम पाशा। लगने दो, ये चमक है। हाँ, ये चमक है तलवारों की। तीर चलाकर सामना करो, अल्लाह के लिए तलवार उठाओ, दुश्मनों को अजियत पहुंचाओ। इतना लड़ो के मुशरिक कोई भी बच ना पाए। ऐसी तलवार चलाओ, खून को उबलने दो, रुको मत, तलवार चलाओ। चश्मे बद्दूर बाबा जान। माशाल्लाह,
बहुत कीमती तोहफा है। शुक्रिया बाबा जान। हमें ये दिन देखना नसीब हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। हमेशा खुश रहें। अल्लाह कमालुद्दीन और आपके रिश्ते को मजबूत रखे हमेशा। मैं यमन के सबसे ताकतवर सरदार को सलाम पेश करता हूँ। आप कौन हैं? मैं वकील हूँ। मुझे बर्तानिया ने अब्दुल हमीद के खिलाफ आपके हुकूक के तहफ्फुज़ का फरीसा सौंपा है। हम सुल्तान के साथ किसी मुकदमे में मुलव्वस नहीं। अरबों की मेहमान नवाजी का तो बहुत चर्चा सुना था, बैठने को नहीं कहेंगे। अगर आप हमारे मेहमान हैं तो जरूर बैठें और मुझे बताएं क्या आपको मेरे पास भेजने से बर्तानिया का क्या मकसद हो सकता है। वो आपकी सकाफत को फरोख देना चाहते हैं। अब्दुल हमीद ने आपके बेटे को कैद किया, बाकी कबाइल के बच्चों की जिंदगी भी खतरे में है। इससे पहले कि अब्दुल हमीद आपके लिए खतरा बन जाए या ज्यादा देर हो जाए, बर्तानिया के साथ मुआहदा कर ले। बगावत शुरू होगी तो कोई उसका सरबरा होगा, लेकिन जब बागी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। तारीख से बाखबर लोग इसे भी जानते हैं। आप परेशान ना हो, बर्तानिया ने पहले ही 5 कबाइल से मुआहदा कर रखा है जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि आप यानी कि शेख तालिब उनकी सरबराही करें। अब आप बैठ सकते हैं। अगर आप मुझे इस पेशकश पे कायल कर लें तो हम समझ लेंगे कि आपकी ये वाली पेशकश दोस्त की तरफ से है। पहले आपने सिर्फ इरादा जाहिर किया, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है फरजंद। उम्मीद है कि आप इस रिश्ते को समझेंगे और कदर करेंगे। आपकी जौजा आपकी जिम्मेदारी है, कभी उनकी दिल आजारी मत कीजिएगा। याद रखें कि जो सलूक आप उनके साथ रवा रखेंगे उसका हिसाब आखिरत में देना होगा। खदीजा सुल्तान कहाँ है? वो क्यों नहीं आई अभी तक? तैयार हो रही थी, आने वाली होंगी। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। सिनेहा सुल्तान, काफी अर्से बाद मुलाकात हुई, कैसी हैं आप? महमूद पाशा कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। और आपकी बेटी कैसे हैं? छोटा बेटा मदरसे जाता है ना? जी, जल्द ही फारिग तहसील हो जाएंगे इंशाल्लाह। महमूद पाशा, खाना क्यों नहीं खा रहे? आपका पसंदीदा खाना है। बहुत शुक्रिया, मेरी भूख मिट चुकी है। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी सलीम पाशा, क्या हम दोस्त नहीं थे? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते महमूद पाशा? अगर आपके पास मेरी कोई दस्तावेजात होती तो क्या वो आप रियासत को देना जरूरी नहीं समझते?
अगर आप जरा भी उलझन में हैं, तो मेरी बात मानिए, एक लम्हा भी इंतजार मत कीजिए। आप हक बजाने पे हैं सलीम पाशा, लेकिन आप जानते हैं कि वजीर आजम बनने का मैं किस कदर ख्वाहिशमंद था। चलिए महमूद पाशा, शुरू करें। लीजिए, शुरू करें। ठीक है, अब रहा नहीं ज्यादा मुझसे। लुत्फ उठाइए। बहुत शुक्रिया। खाइए खाइए। अंदर आने से मना किया है पाशा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपको खबर भिजवा दी। चले जाइए, हमें तन्हा रहना है। ऐसा मत करे शहजादी, तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता। मर रहे हैं, मर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत अजियत में हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही अजियत कम हो जाएगी। आप नहीं समझ सकते, कुछ नहीं मालूम आपको। आप सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन हमें समझने वाला कोई नहीं है। मैं समझता हूं शहजादी, अच्छी तरह समझता हूं। मेरे पास भी आपकी तरह नामुकम्मल मोहब्बत है। मैं उसका असीर हूं, लेकिन मैं रो नहीं सकता आपकी तरह। खामोशी से इस अजियत को सह रहा हूं। अच्छा किया आपने खुद को इस चारदीवारी में बंद करके अपने अंदर का गुबार निकाल दिया। अगर आप रोती नहीं तो आपकी हैसियत कभी कम नहीं होती। अब उठिए, खड़ी हो जाए, चलिए मेरे साथ। और तकरीब में इस शानदार मुस्कुराहट के साथ शरीक होंगे, सूरज भी रश्क करें। शेख तालिब राजी हो गया। क्या बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अकेला नहीं, इसकी यकीन दहानी करनी होगी। उसका कहना है कि पहले उसे सब सबूतों के साथ ये बताया जाए कि जिन कबाइल ने बरतानिया से इत्तेफाक किया वो कौन है। शर्त आसान है, मैंने बरतानिया की उमूर खारजा से दस्तावेजात की दरखास्त की है। आप इन दस्तावेजात को शेख तालिब के पास ले जाएंगे करासो, और उनकी शराइत मानेंगे। जब बाकी कबाइल के जवान मारे जाएंगे तो बनी जोशम की क्यादत में एक अजीम बगावत अपने उरूज पर होगी। अगर ये काम मोहतरमा बैल करती तो क्या ये इतनी जल्दी हो सकता था? कतन नहीं। चलिए अब।
खदीजा सुल्तान। कहाँ थी आप खदीजा? तबीयत कुछ नासाज थी लेकिन अब ठीक है। हम बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। कमालुद्दीन से शादी हो रही है हमारी, हम उनकी सौजा हो जाएंगे। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। हाशिम फरजंद, आप मोहतरमा बेल के पास जाएं, उन्हें बताएं कि हमारा उन पर से इतमाद खत्म होता जा रहा है। उन्हें बताना होगा कि बाकी लापता नौजवान कहां हैं। जो हुक्म मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा, आप शेख तालिब के पास जाएं और जाकर उन्हें खलीफा की इताअत के बारे में बताएं। अब और सब्र नहीं करेंगे हम। जी बेहतर मेरे सुल्तान। तुमने इतने दिन से हमें यहां रखा हुआ है, यरगमाल बना लिया है क्या? कोई वजाहत है तुम्हारे पास? यह टिकट तुम्हारी जान बचाने में मदद करेंगे। सिलानिक की टिकटें हैं ये। तुम रेल के जरिए सिलानिक जाओगे, वहां एक बहरी जहाज तुम्हारा मुंतजर होगा। इस तरह तुम अब्दुल हमीद से बच जाओगे। तुमने हमें यहाँ यरगमालियों की तरह रखा है और तवक्को करते हो कि हम तुम्हारी बात का यकीन करें? तो ठीक है, मत करो यकीन। तुम सबको बाहर जाने की इजाजत है, किसी को नहीं रोकूंगा मैं, मगर बाहर तुम अब्दुल हमीद के जासूसों का शिकार हो जाओगे। तुम्हारा अंजाम एक ऐसा सफर होगा जिसमें तुम्हारी मैयतें तैरती हुई बास्फोरस पहुंचेंगी। आजमाने में क्या हर्ज है? हो सकता है ये सच कह रहा हो, उन्होंने आलिम को गिरफ्तार कर लिया है, न जाने हमारे साथ क्या करेंगे। चलते हैं। क्या हम यूं ही छुपे रहेंगे यहां? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फहीम पाशा यहीं आएगा। वो यहां कैसे आ सकता है? क्योंकि तुम उसे जाकर बताओगे। वो मुझे देखते ही जान से मार देगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी बात वो जरूर सुनेगा। ठीक कहा, मेरी बात सुनकर मुझे कत्ल कर देगा। अगर तुम उसे ये कहोगे कि तुम्हारे बेटे को मैंने यरगमाल बना लिया इसलिए तुमने ये सब किया, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। समझ गया। आला, इंतजार किस बात का है? जाकर उन्हें जंगल में बुलाओ। रहने दो इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खलीफा इस्लाम की दावत देने दोबारा आया हूं। शेख तालिब को जाकर बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान मुअज्जम की दावत देने के लिए आया हूं मैं आपको। आइए मेरे साथ चलिए।
क्या इस दावत को कबूल करने से हमारे जवाब में तब्दीली आ जाएगी? पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए। फरमाने रसूल है, अपने फरमारवा की इताअत करो, ख्वा फिर वो हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। आप कब से पैगंबर की बात पर अमल करना छोड़ चुके हैं? जब से हुक्मरान ने जुल्म करना शुरू किया है। क्या यह आपका आखिरी फैसला है? जी हां। अगर आज बैठ जाऊं तो कोई एतराज तो नहीं? अगर आप हमारी मतलूबा दस्तावेजात लाए हैं तो कैसा एतराज? आप हमारे मेहमान हैं। ये उन अरब कबाइल की फहरिस्त है जो बरतानवी माहिदे के साथ मुत्तफिक हैं। वो सभी आपको सरबराह देखना चाहते हैं। तो ऐसा है, अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत शुरू करने के लिए हमें हथियारों और पैसों की जरूरत होगी। ये तो कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र रहे। और मेरा बेटा, वो तो अब्दुल हमीद के पास है। ये भी आसान है, अगर आप सुल्तान के पास जाकर माफी मांगे और उनके सामने कसम खा ले कि आप बगावत में शामिल नहीं, तो वो आपके बेटे को रिहा कर देगा। और वैसे भी अब्दुल हमीद दूसरे शेखों के बेटों को कत्ल करने का कसद कर रहा है, और जब यह खबर फैलेगी तो आपको पूरे अरब खत्ते की हिमायत हासिल हो जाएगी, और तब ये सारे जान जाएंगे कि आप अपनी जिद्दोजहद में कितने दुरुस्त हैं। समझ गए ना आप? हमारी खूबसूरत दुख्तर वालिदा, इंशाल्लाह आप बहुत खुश रहेंगी नाई में। इंशाल्लाह, कमालुद्दीन की जौजा बनना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। जैसे ही मौका मिले कमालुद्दीन के साथ सफर पर चली जाए। सफर के दौरान इंसान एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाते हैं। ठीक कहा, खदीजा सुल्तान ने भी यही बात कही थी जब वो वासफिया फंदी के साथ यहाँ वापस आई थी। नाई में शहजादी नाखुश हो ऐसा नहीं हो सकता। अब्दुल कादिर और नाई में शहजादी को जो चीज नाखुश करती है, बिदार खातून उसे पहले ही रोक लेती हैं। पाशा, आदमियों ने बताया कि मनोल बाहर मुंतजर है, तो वक्त जाया किए बगैर अंदर आने दो उसे, तलाशी लेना मत भूलना। ठीक है पाशा। पाशा, एक अहद किया है मैंने, मैं तुमसे तुम्हारी कब्र खुदवाऊंगा। कुछ ऐसा बताओ कि तुम अपने पैरों पे जा सको। और तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। माफ कर दे बादशाह, मुआफी का मौसम अब खत्म हो गया। मनोल अब मौसम है शिकार का। बादशाह, मेरे बेटे को अगवा कर लिया उसने, मैं उसे बचा नहीं पाया, लेकिन अब मेरे पास मौका है।
लुका फरार हो गया है, छुपा हुआ है वो। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं आपके पास हमारे दरमियान होने वाले मामलात को दुरुस्त करने आ गया। लुका मुझे कहां मिलेगा ये बताओ। बिल्कुल बताता हूं, वो क्या ताने की चोटी पर बने हुए घर में छुपा है, जंगल की तरफ। जा सकते हो तुम, बाहर हमारा इंतजार करो, मगर तुम्हारी कसम खाता हूं अगर ये सच ना हुआ तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। मेरा यकीन करें पाशा, उस लुका नामी शैतान से मैं खुद छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन खुदारा उसे कत्ल करने से पहले मेरे बेटे का जरूर पता लगा लीजिएगा। मेरे जाबाजो, तैयार हो जाओ, हम शिकार पर जाएंगे। मैयत अफंदी, कहां गायब हैं आप? आप सच कह रहे हैं मैयत अफंदी? बिल्कुल पाशा, हम शिकार पर जा रहे हैं, आप जानते हैं कि क्या करना है। हो गया काम। वो कायल हो गए जब उसने अरब कबाइल की वो फहरिस्त देखी जो अंग्रेजों से मुत्तफिक थे, तो वो मान गया। अब वो समझता है कि वो अरब बगावत का रहनुमा है। बेहतरीन। कहां जा रहे हैं? जब ये खबर अब्दुल हमीद के पास पहुंचे तो चाहता हूं कि मैं उसके पास मौजूद हूं। अब्दुल हमीद को जब ये मालूम होगा कि रेल के सफर के दौरान अरब नौजवान मारे गए हैं तो उसकी बेबसी की लम्हात मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सुल्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, नौजवानों के बारे में कोई मालूमात मौसूल नहीं हुई हमें। मैं बहुत शर्मिंदा हूं हाशिम अफंदी, मैं नहीं चाहती कि कोई खूनी मंसूबों से मजीद ताकतवर हो और मुश्किलात बढ़ाए, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। तो क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूं कि वो बच्चे और नौजवान जिंदा रहे, मगर ये नहीं जानती कि वो लोग इस वक्त है कहां। मैंने पता लगा लिया है। कहां है वो? पारोस ने 11 टिकटें खरीदी थी सैलानिक जाने वाली रेल की। उन नौजवानों की तादाद भी 11 है? बिल्कुल। तो वो उन्हें रेल में मारने वाला है? मरी कोई में धमाके से उसने लुका के आदमियों में से एक को इस काम पे तैनात किया है। हाशिम अफंदी, आपको सब मालूम हो चुका है, खुदारा जाके सुल्तान को आगाह कर दे। चलो चले। कहां? मैं अब्दुल हमीद से पहले उन नौजवानों की जान बचाऊंगी। लेकिन कैसे? उन नौजवानों को पहले वहां से निकालेंगे हम, फिर वहां ले जाएंगे जहां बम नस्ब किया गया है। इसमें उन्हें आप ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि गेट्रूड बेल ने आपको तब बचाया जब अब्दुल हमीद आपकी जान लेना चाहते थे। पुप्पी जान, हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं, थोड़ी थकन सी महसूस हो रही है। जरूर जाइए, आराम कीजिए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। मेरी सुल्ताना। कहिए जुल्फत। नायम सुल्तान और शहजादे की शादी की खुशी में पाया तख्त में आप जो मिठाइयां और तहाइफ तकसीम करवाना चाहती थी
वो कर दिए गए हैं। लोग बहुत खुश हैं सुल्ताना। आला, अल्लाह आपकी खैरात कबूल फरमाए। आमीन, शुक्रिया। तहाइफ अपने हाथों से तकसीम करने चाहिए थे। आखिर आपको ये खुशी नसीब हुई है कि आपके दोनों बच्चों की शादी आपकी मंशा के मुताबिक अंजाम पाई। अभी तक आपने हमें मुबारकबाद नहीं दी स्नेहा सुल्तान। ऐसा लगता है आप इस खुशी के मौके पर खुश नहीं हैं। हमारी दुआ है उनके लिए कि अब वो कभी ना खुश ना हो, बस यही। हम आप सबको अलविदा कहने आए हैं। बेटी, एफसुन खातून के लिए सवारी तैयार करवाइए। जब तक आपकी सवारी तैयार हो रही है, आप हमारे साथ तशरीफ रखिए। एफसुन खातून, आप जब चाहें अपनी बहन से मिलने के लिए बगैर इजाजत महल आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया मलिका। लेकिन अगर आप अपनी बहन से ज्यादा मिलने आएंगी तो उनका महल में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यही बेहतर होगा कि आप पाकीज़े की दावत का इंतजार करें। सुल्तान मौज़म, तालिब अफंदी का कहना है कि वो अपने फर्जंद को देखने से पहले हाजिर नहीं होंगे। लगता है खलीफा पर से उनका एतमाद खत्म हो गया है। यूं न दीजिए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। हाशिम अफंदी मुलाकात के मुंतजर हैं। भेज दें। आइए, बैल खातून से कुछ मालूम हुआ आपको फरजंद? जी सुल्तान मौज़म, पारवस उन नौजवानों को सैलानिक भेज रहा है और उसका इरादा है कि रास्ते में ट्रेन को धमाके से उड़ा देगा। क्या मुकाम का इल्म है आपको? मरीकोई के करीब। आपने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। आप पाकीज़े को मुझसे बढ़कर नहीं जा सकते। पाकीज़े की आंखों में आपको हमेशा मैं दिखाई दूंगा। सईद पाशा, रियासत की सूरत हाल वाज़े है। आपको वजीर आजम बनाने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं। हमारे बेहतरीन सियासतदान इंतकाल कर चुके हैं और बाकी आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गए। मुश्किल वक्त में दुश्मन मुख्तलिफ पेशकशें लेकर आए। हमारे बासलाहियत पाशा लालच में आ गए और जो लोग लालच में आ जाए वो रियासत से मुखलिस नहीं रहते। हम वजीर आजम का मनसब ऐसे शख्स को देना चाहते हैं जो मनसब के शायान शान हो। मेरे आका, गलतियां मुझसे भी सरसर्त हुई हैं, ताहम मैंने हमेशा अपनी रियासत की भलाई और वकार को तरजीह दी है, कभी रियासत का नुकसान नहीं चाहा। तो फिर आप वजीर आजम का मनसब कबूल फरमाए। क्या यह आपका हुक्म है मेरे आका? हुक्म है। आपका हुक्म सर आंखों पर।
मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा इंतखाब किया, मगर मैं आपसे आपकी और आपकी हुकूमत और अपनी भलाई के लिए एक दरख्वास्त करता हूं। कहिए पाशा। आप पर बहुत बोझ है सुल्ताने मौसम। बाबे अली उस्मानी बंदरगाह एक मुद्दत से काम नहीं कर रही, वो आपका बोझ हल्का नहीं करते। मैं अपनी काबीना की तश्कील और सियासी मामलात पर से आपका बोझ हल्का करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो। हमें खुशी होगी पाशा। फिर आप पुरसुकून हो जाएं कि अब वजीर आजम की मोहर महफूज हाथों में है। आपका बहुत शुक्रिया। आप एक मजबूत बाइज्जत और ताकतवर हुक्मरान हैं, दुनिया भर के लोग जिसके साए में पना लेते हैं। अल्लाह बादशाह को हर बड़ी गलती से बचाए और इन्हें हमारी उस्मानी सल्तनत में हमेशा कायम व दायम रखे। ये हमारी दुआ है। आमीन सुम आमीन। अल्लाह आपकी जिम्मेदारियों को आप पर आसान फरमाए, मोहतरम वजीर आजम सईद पाशा। आमीन मेरे सुल्तान आमीन। आपका इकबाल बुलंद हो। अगर तुमने गलत सिमत का बताया तो अंजाम तुम जानते ही हो। हाँ तो मेरे मनोल, किस तरफ? उस तरफ है पाशा। तो मेरे जाबाजो, मौत कभी भी हम तक खुद नहीं आती, हमें मौत के पास खुद जाना पड़ता है। यहाँ हम अपने कदम बढ़ाते हैं और हमारी साख हमारे पीछे आ जाती है। जो बच्चों के साथ ऐसा करते हैं वो जहन्नुम के हकदार हैं। हाँ तो मेरी जान, बताओ गद्दार कब गद्दारी से बाज आता है? जब वो मरने के बाद जमीन के अंदर जाता है, समझे? फहीम पाशा, एक सिजिलियन के घात से आज तक कोई नहीं बच सका है। फेंक दो हथियार, गोलियां जाया नहीं करूंगा मैं। आज तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई मेरी जान, बहुत ज्यादा खुशी। मैं कसम खाता हूं मनोल, तुम आसान मौत नहीं मरोगे। सुल्ताने मोज़म ने हाल ही में ये अरबी नस्ल का घोड़ा खरीदा है। खूबसूरत है बहुत। सिपाही मश्क कर रहे हैं क्या? जी हाँ शहजादे। आप ठीक तो हैं मोहतरमा? जी हम ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बस थोड़े खौफजदा हो गए थे हम। थियोडोर हर्जल और सलीम पाशा के करीबी रवाबित हैं।
मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। वैसे भी धमाके के बाद पछताने का मौका नहीं मिलेगा। यकीन जाने आप मेरा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बनी जुशम कबीले के सरदार तालिब आफंदी। अपने आदमियों से कहो गोलियां चलाना बंद करें। हर्जल और आपके रवाबित जानते हैं हम। महमूद पाशा के बारे में वो दस्तावेजात थियोडोर हर्जल से ली थी आपने सलीम पाशा।